हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई 2022 से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार रूटीन। डेली आपको किस तरह से जाना है मैं पूरा डिस्कस कर लूंगा। कई बच्चों की क्वेरी रहती है कि हम कब उठे, कितने घंटे पढ़ें, ये करें वो करें, सब डिस्कशन इस वीडियो में हो जाएगा। और आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे एंड तक आराम से IIT पहुंच जाओगे, फिक्स है। ओके, बस फॉलो सिंसियरली करना और पढ़ना है उस ड्यूरेशन में। ओके, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट रखिए गाइस कि आज है 30 सितंबर एंड टुडे इज द लास्ट डे टू गेट माय जेईई 2022 कोर्स एट अ 50% डिस्काउंट। उस कोर्स के अंदर आपको मैंने खुद पढ़ाया है, तो आपको अगर ऐसी इच्छा हो कि आपको मुझसे पढ़ना है, आपको कुछ भी आपके बैकलॉग या रिविजन आपको ये सब करना है वो मैं आपके करा दूँ सारे चैप्टर्स का 11th 12th। फिर आपको क्वेश्चन मैंने कई सारे प्रैक्टिस कराए जिसमें मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स मेंशन किए हैं जो मैंने खुद डेवलप की है, वो आपको किसी किताब, किसी टीचर, किसी बुक में नहीं मिलने वाली है। कि क्वेश्चंस को फास्ट कैसे अप्रोच करना है, टेस्ट के दौरान क्या ट्रिक्स का यूज करना है ताकि आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे टाइम में मैंने 90 के 90 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे अपने जेईई मेन के अंदर। ओके, और इवन एडवांस के अंदर भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही पेपर सॉल्व किया था। तो वो जो चीजें हैं, जो मेरा वो एक्सपीरियंस है सारा उसमें पोर इन किया है, आपका वो हो सकता है एट 50% डिस्काउंटेड रेट टुनाइट तक। और उसमें मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी कई सारे सेलेक्ट करके दिए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ सप्लाई किया। ओवरऑल एक काफी अच्छी चीज है वो, आप उसको डेली 1-2 घंटा पढ़ोगे अपने कोचिंग के असाइड तो आपका इजीली वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका स्कोर 20-30% इंक्रीज डेफिनेटली होगा। ओके, मतलब काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा उस कोर्स को लेके। तो और डिटेल्स चलो लास्ट में दे दूंगा। अब अपन बात करते हैं रूटीन के बारे में कि क्या रूटीन आपको फॉलो करना है। ओके, तो टाइम टेबल जो हम इस वीडियो जो हम इस चैनल पर बताते हैं काफी सिंपल सा टाइम टेबल है। ओके, सभी बच्चे उसको फॉलो कर ले, सिंपल सी चीज है, 4-4-2 कहता हूं मैं उसको। ओके, क्या है ये, 4 आवर्स इन द मॉर्निंग आपको एक स्लॉट निकालना है, 4 आवर्स इन द आफ्टरनून आपको एक स्लॉट निकालना है, 2 घंटे इन द इवनिंग कभी भी निकाल सकते हो। ओके, अब मुझे पता है यहाँ पे कोई स्टूडेंट पूछेगा कि भाई हमारा स्कूल कहाँ डालेगा इसमें, हमारा कोचिंग का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो डिस्कस करेंगे आगे। ओके, पहले टाइम टेबल समझ लो कि ऐसा क्यों और कैसे क्या चलना है। तो वेकिंग अप टाइम की अगर हम बात करें तो मुझे पता है आपसे कई बच्चे आजकल 1-2 बजे भी पढ़ते हो। ओके, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप इवन 1-2 बजे भी पढ़ रहे हो तो ट्राई करो कि 9 बजे मैक्सिमम आप सुबह उठ जाओ। ओके, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो लगभग 10 बजे 9:30 बजे से चालू होते हैं, तो आप ऐसा नहीं चाहते हो कि आपकी 11 बजे उठने की आदत हो, राइट? क्योंकि आप 2 साल में जो आदतें बना लोगे वो जाएंगी नहीं एग्जाम के दिन। ओके, तो ट्राई करो कि वैसे तो ट्राई करना है कि 8-7 बजे ऐसा उठ जाओ, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा स्टूडेंट क्योंकि रात को 2 बजे सोता है वो, तो 9 बजे उठना आई थिंक अप्रोप्रिएट है। 7 आवर्स की मिनिमम रात को आप स्लीप लेंगे। ओके, 7 आवर्स मिनिमम है। मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन में 8 घंटे सोता था लगभग। और ये इंपॉर्टेंट है गाइस, कई लोग समझते हैं कि नींद से क्या होता है और नींद नहीं लेते हैं उससे एक तो लॉन्ग टर्म हेल्थ नुकसान तो होती है आपको। फॉर एग्जांपल आप अगर लेट से 3-3 घंटे सोते हो पूरी प्रिपरेशन में तो आपको भली IIT मिल जाएगी लेकिन आपकी इतनी डिजीजेज हो जाएंगी और क्रॉनिक डिजीजेज भी हो जाती है कई बार, तो आपका लाइफ क्वालिटी पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ओके, तो वैसा भी हमें नहीं करना है। और एक और चीज़ भी आपके साथ होगी कि आप अगर स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे देन आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, तो इसलिए स्लीप पूरी लेंगे, 7 घंटे, 2 बजे सो रहे हैं तो 9 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 से पहले उठने की ट्राई करनी है। अब आप 9 बजे उठ गए और लेट से 9 बजे अगर उठ रहे हो तो 2 बजे 1 बजे सो जाओ, और वैसे ट्राई करना है कि 12-7 इज अ गुड टाइम टू स्लीप, कि रात को 12 बजे सो गए 7 बजे उठ गए। अब चलिए आप सुबह उठ गए, 4 घंटे का एक स्लॉट आप सुबह लगाएंगे लगातार। सुबह आप एकदम फ्रेश होते हैं, कोई आप में कोई मूड वूड एकदम बढ़िया होता है, सुबह आपने 4 घंटे लगातार पढ़ाई कर ली, लेट से 8 बजे शुरू कर रहे हो, 8-12 आपका पढ़ाई का पहला स्लॉट हो गया। तो अभी कई स्टूडेंट्स तो उठ रहे होंगे, कई स्टूडेंट्स जो लेट्स होते हैं तो अब उठ रहे होंगे, आपके ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं, राइट, विच इज ग्रेट। अब आप चलो 2 घंटे का ब्रेक ले लो, है ना, 1 घंटे का भी ले सकते हो, चलो 2 घंटे का मान लिया कि भी उसमें खाना खा लिया, कुछ कार्टून या जो भी तुम्हें देखना होता है, टीवी शो देखते हो, जो भी देख लिया हमने, मजे कर लिया, 2 बज गई, 2 बजे से 6 बजे एक और स्लॉट हमने लगाया। ओके, 4 घंटे का, तो अब देखो 6 बजे अभी तक और हमने 8 घंटे ऑलरेडी दिन की पढ़ाई कर ली। अब 6 बजे आप 12 बजे सोते हो, 8 बजे का मैं मान रहा हूँ, तो आप चलो 12 बजे सोते हो, 6-12 6 घंटे, उसके अंदर केवल 2 घंटे निकालने को मैं कह रहा हूँ कोई से भी। क्या ये डिफिकल्ट काम है भाई? नहीं है ना। और ये इनेबल क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले अपने स्टडी आवर्स निकाल लिए, तो अगर आप पहले ही अर्ली इन द डे पढ़ाई कर लेते हो तो आपको रात को काफ़ी फ्रीडम मिल जाता है। अब आप चाहो तो रात में रेस्ट भी कर सकते हो, फैमिली के टाइम साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या आप कुछ और कर सकते हो। आपको अगर इच्छा पढ़ने की तो पढ़ने की तो 4-4-4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग पूछते रहे कि 12 घंटे कैसे पढ़ें, देखो आसानी तो है, बता तो दिया, सुबह 2 घंटे का ब्रेक मैंने लिया, पूरे 7 घंटे की नींद दी है, तब भी आप 12 घंटे पढ़ सकते हो। मैं तो 10 के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कोई चाहे तो 12 तक भी एक्सटेंड कर सकता है। ओके,
अब इन ड्यूरेशन में कैसे कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ट्राई करना है कि जो प्रॉब्लम इंस्टेंट जो अंडरस्टैंडिंग जिनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग करना है। तो लेट्स से आप फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो या मैथ्स पढ़ना चाह रहे हो, है ना, तो ये सब्जेक्ट आपको सुबह पढ़ने की कोशिश करनी है क्योंकि सुबह सुबह क्या है अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी रहती है। ओके, आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह करनी है वो या तो आप सुबह के स्लॉट में डाल सकते हो या दोपहर वाले स्लॉट 2 to 6 में डाल सकते हो। और जो आता है नेक्स्ट कि आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई चैप्टर आपको पहले से आता है उसको रिवाइज कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो ना जो इतनी इतनी इंटेंसिव एक्टिविटी नहीं है जिसमें इतना तुम्हारा इतना फ्रेश मूड भी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, तब भी आपको आ जाएगा। ऐसा काम आप रात वाले स्लॉट में करें, जो मैंने आपको बताया ना 2 घंटे का स्लॉट कभी भी 6 से 12 के बीच निकाल दो, वो उस स्लॉट में करें। ओके, तो ये अपन समझ के कैसे टाइम को यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें स्कूल कोचिंग कैसे घुसाना है, टाइम एडजस्ट कैसे करना है। तो देखो पहली बात है कि अगर तुम थोड़ा लेट या जल्दी उठते हो तो कुछ भी नहीं करना है, पूरे टाइम टेबल को शिफ्ट कर दो उतने से। ओके, एक एक घंटा शिफ्ट कर दो, अगर 1 घंटा पहले या बाद में उठते हो तो वो तो आप अपने हिसाब से कर लो। ये कोई ऐसे पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया तुम सबको 8 बजे उठना है, अब नहीं, आपके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मैंने एक रफ आपको एक आइडिया दिया है कि भाई कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट अपना हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं यार कि इसमें स्कूल कोचिंग कैसे घुसेगा। तो आपका देखो स्कूल और कोचिंग ऐसा नहीं होगा कि भाई हर दिन होता होगा, ऐसा थोड़ी भी तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें हर दिन ही बुलाते हैं, और अगर बुलाते भी हैं स्पेशली अगर ऑनलाइन स्कूल है तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसके अंदर हर क्लास के अंदर पूरा अच्छे से करते ही करते हो, राइट। तो वो आप इन्हीं एक स्लॉट में डाल दे, लेट से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपका स्कूल है 8 से 1, तो वो इसी स्लॉट पे घुस गया ना आपका पहला स्लॉट, चलो स्कूल का स्लॉट हो गया। अब उसके अंदर आपको कोई फ्री पीरियड मिले या आपको लगे यार कि ये क्लास में आप कुछ कर सकते हो कि इधर उधर देख लिया वगैरह अगर अलाउड हो ऐसा। अब मैं तो करता था भाई कि स्कूल के अंदर पीछे बैठ के फालतू पीरियड में हम आराम से अपना एच वर्मा वगैरह या कोचिंग शीट लगाते थे, वो आप कर सकते हो इस तरह की चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो आपका पहला वाला स्लॉट पूरा स्कूल को चला गया 8 से 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्लॉट में आपका कोचिंग वगैरह कुछ होगा, ओके, तो कोचिंग का नेक्स्ट स्लॉट में अलॉट कर दो, तो वो भी पढ़ाई है। स्कूल और कोचिंग ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे आप कुछ मस्ती कर रहे हो, ठीक है, वो भी पढ़ाई ही होती है। ओके, और अगर कोई फ्री पीरियड वगैरह लग जाएगी यार, ठीक है, कोई ब्रेक ब्रेक मिल गया तो उसमें आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ठीक है, तो भी ऑफलाइन में तो और आसान होता है कि भाई पीछे जाके आराम से दोस्तों के साथ बैठ के कर लिया, एटलीस्ट मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स करते थे कि हम पीछे बैठते थे आराम से क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस वगैरह जो भी कर लिया करते थे अपना बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत स्मार्टली इसे स्कूल से टाइम देखो निकालना चाहिए। ओके, और लास्ट आपका जो स्लॉट है तब तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम्हारे रात को 8 बजे से 12 बजे भी कोचिंग चल रही है, और अगर चल रही है तो सुबह फ्री होगा स्लॉट, राइट। तो माय पॉइंट इज कि आप अगर इस तरह से कैटेगराइजेशन ऑफ टाइम रखते हो तो आपका कोई ना कोई स्लॉट फ्री होगा। लेट्स से आपका सुबह स्कूल है और रात को कोचिंग है, कई जगह पर ऐसा होता है ना कि रात को क्लास होती है तो आपका दोपहर वाला स्लॉट पूरा फ्री है, उसमें पढ़ लो। फिर आपके संडे वगैरह भी तो आएंगे, संडे के दिन तो आपका कोई भी नहीं चल रहा है तो आप 4-4-4 करके पूरे 12 घंटे पढ़ सकते हो। ओके, छुट्टियां भी आती हैं, दिवाली ब्रेक आते हैं, तो इस तरह से जो टाइम मिलता है ना उसको आपको यूज करना आना चाहिए। जो बच्चे इस तरह की कंप्लेन करते हैं ना कि अरे यार हमारे पास तो टाइम नहीं बचता है, कोचिंग वाले भी बुलाते हैं, स्कूल वाले भी बुलाते हैं, हाँ यस सबको बुलाते हैं, हम भी गए थे, है ना, तो इसमें ऐसे आप कुछ कर नहीं सकते हो। कर क्या सकते हो, फ्री पीरियड को इस्तेमाल करना, ब्रेक्स को इस्तेमाल करना, जब आपको लेट्स से इवनिंग स्लॉट फ्री मिल रहा है तो उसमें रेस्ट या कार्टून या मूवीज देखने से बढ़िया उसको यूटिलाइज कर लो। फिर आपको जो संडे सैटरडे मिलता है, कुछ लोग क्या करते हैं संडे सैटरडे को घूमने निकल जाएंगे, गाइस ठीक है आपको एंटरटेनमेंट करना चाहिए, नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर कोई टाइम मिल रहा है, संडे मिल रहा है और उस दिन स्कूल कोचिंग नहीं है तो उसको यूज करो ना, उसके अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश करो। ऐसे ही देखो बैठता है, आप अगर ऐसा करोगे कि स्कूल चले गए फिर कोचिंग चले गए और फिर कुछ किया ही नहीं कि भाई हम तो थक गए, फिर देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा सिलेक्शन करना। ओके, तो मैंने कुछ आपको टिप्स वगैरह दी हैं, आई नो कि इसमें से कुछ चीज़ें आपको अभी भी खुद प्लग इन करनी पड़ेंगी बिकॉज दे आर स्पेसिफिक टू यू, बट आई एम श्योर आपको इससे एक सर्टेन एक रोड मैप या एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे आप टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हो। ओके, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू यूटिलाइज योर टाइम फॉर JEE 2022 प्रिपरेशन इज टू एनरोल इन माई JEE 2022 कोर्स, जो आज लास्ट डे है जिसपे आपको 50% क्लेम करने का डिस्काउंट। ओके, तो उसके अंदर मैंने आप सारे चैप्टर्स आपके अगर चैप्टर्स आपके लेट्स से 11th में कुछ चैप्टर्स है जो आपको नहीं आते हैं, मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से उनको समराइज कर रखा है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, इससे ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो इससे आपको ना तो ज़्यादा टाइम देना पड़ा और आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा और विद इन 1 to 1.5 hours आपको चैप्टर एक बार के लिए समझ आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे हम हो गए। फिर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके कई सारे बताए हैं, मेरी जो ट्रिक्स थी जो मैं एग्जाम में यूज़ करता था फॉर गोइंग फास्टर वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं इसके अंदर मैंने, आपको कई सारे प्रॉब्लम्स वगैरह भी सप्लाई किए हैं, मॉक टेस्ट पेपर सप्लाई किए जिनको मैंने खुद क्यूरेट किया है कि भाई क्वालिटी है या नहीं उनके अंदर, आपके लिए वो यूजफुल है या नहीं। ओके,
तो काफी हेल्पफुल चीज है, आप उसको दिन का आधा एक घंटा पढ़ें, वीकेंड के दिन 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आपका डेफिनेटली काफी अच्छा खासा एक हेल्प हो जाएगा। ओके, आपका कोचिंग और सेल्फ स्टडी आप करो ही करो, उसके साथ इसको एज अ साइड टू यूज करो, काफी आपको बेनिफिट होगा। ओके, सो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, ऐप पर जाओ, वहां पे देखो शॉर्ट नोट्स वगैरह तो फ्री में अवेलेबल है, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना, वो तो तुम ले ही लेना, और अगर आप चाहो तो कोर्स में एनरोल हो जाना, आज लास्ट डे है उसको लेने की। ओके, एट अ डिस्काउंटेड रेट। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये टाइम टेबल आपको पसंद आया हो। आप भी अपना पोस्ट कर सकते हो, आपका क्या टाइम टेबल वगैरह है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, आई विल ट्राई टू लुक एट इट एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इफ यू हैव एनी क्वेरीज। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।